हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जा रहे हैं मरियम माई मंदिर। यह मंदिर जो है पेंड्रा जिला में भनवारटंग नामक रेलवे स्टेशन के पास है और यह मंदिर जो है बहुत फेमस है भाई। और यह जो है बिलासपुर से 78 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप ट्रेन रूट से आते हैं तो अगर आप लोग बाई रोड आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये घने जंगल हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और रास्ते भी ख़राब हैं जिसमें आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए ट्रेन का रास्ता जो है बहुत बढ़िया है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दुकानें स्टॉल लगी हुई है। अभी तो ये इवनिंग का टाइम है तो ये सब खाली हो चुकी है, और अगर मॉर्निंग के टाइम में आए होते तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ पे आप मंदिर जाने समय प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, फूल वगैरह ले सकते हैं। और देखिए काफ़ी दुकानें जो हैं खुली हुई नहीं हैं, शायद यहाँ आके जा चुके हैं उन लोग। और यह मंदिर जो है अगर आप बाई रोड आते हैं तो कोशिश करिए कि मॉर्निंग के टाइम पे आइए। इवनिंग के टाइम पे अंधेरा होने पे आपको यहाँ से जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती क्योंकि ये घने जंगल हैं और यहाँ पे रात को अंधेरा होने पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है तो आप लोगों का जो है बाइक चलाने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है। यह मंदिर जो है जंगल के बीच में होने के कारण एक दुर्गम स्थल बोल सकते हैं और यहाँ आसपास कोई सुविधा भी नहीं है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और ये देखेंगे आप यहाँ पे रेलवे ट्रैक है और ये ट्रैक पार करते समय आप लोग सावधानी रखिएगा क्योंकि मंदिर जाने के लिए जो है यही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि मंदिर जाते के लिए हम लोग आजू बाजू देखते नहीं कि कौन सी ट्रेन आ रही है जा रही है। और दुर्घटनाएं से बचने के लिए आपको ये सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर के सामने कितने सारे नारियल बंधे हुए हैं, यही है जो आस्था का बहुत बड़ा स्रोत है। और देखिए ये ट्रैक जो है ना, इधर जाएंगे आपको तो भनवारटंग रेलवे स्टेशन पड़ती है और स्टेशन से ये 1 किलोमीटर दूरी पे मंदिर स्थित है। और हम लोग थे नारियल पे, देखिए इतने सारे नारियल हैं, करीब करीब 10,000 के आसपास नारियल तो बंधे ही होंगे, देख सकते हैं। और लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ नारियल बनने से उनकी जो मन्नतें हैं पूरी हो जाने के बाद यहाँ आके वो नारियल को खोल लेते हैं। और देखिए यहाँ पे अभी तो भीड़ नहीं है, जो लोग आए थे शाम होने के कारण जंगल अंधेरा हो जाती है इसलिए वो लोग जा चुके हैं। और हम लोग ये शाम का टाइम है तो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और ये मंदिर का द्वार है, यहीं से आपको प्रवेश करना है। और देखिए यहाँ पे नवरात्रि होने के कारण जो थे यहाँ पे मंदिर को काफ़ी सजाया गया है और लोग नहीं हैं यहाँ पे, जिस कारण से आप लोग यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चप्पल ऊपर रखे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ पे अपने चप्पल उतार देते हैं। और मंदिर जो है ना काफ़ी यहाँ पहुँचने के बाद शांति लग रहा है यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भीड़ भाड़, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जो हवन हो रही है उसमें बैठे हुए हैं और जप कर रहे हैं। और ये स्लाइडर लगी हुई है, अगर भीड़ होने से यहाँ से आपको लाइन लगाना पड़ेगा। और अभी भीड़ तो है नहीं तो आराम से दर्शन हो जाएगी मंदिर की। और चलते हैं अंदर की ओर और ये देखिए मंदिर का द्वार है और ये काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे आप लोग अगर किसी को दान वगैरह चंदा वगैरह देने हैं तो यहाँ पे नाम लिखवा के आप दे सकते हैं। ये है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और चलते हैं दर्शन करने से पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और बाइक चला के आने के बाद ना पूरे फेस की हालत ख़राब हो गई थी, थक चुके थे, पूरे हाथ पैर में दर्द हो रहा था और इसलिए यहाँ पे आके हाथ पैर धो लेते हैं। और ये हम लोग अपना प्रसाद को यहाँ रख देते हैं। और देखिए यहाँ लाइन से नल बनी हुई है, अगर आप लोग आते हो ना तो यहाँ आराम से हाथ पैर धो सकते हो। और पानी भी काफ़ी ठंडी है यहाँ पे, जो हाथ पैर धोने के बाद एकदम अच्छा अनुभव हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने पैर धोया यहाँ पे। और चलिए अब थोड़ा सा फेस भी धो लेते हैं और
पानी बहुत ठंडी थी, जो हम लोग की थकान जो मिटाने में ना अच्छी लगी। और ये थोड़े बहुत प्रसाद ले लिए हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे नल जो है ठंडा पानी से मुंह धो लेते हैं, ये देखिए। और पानी इतना ठंडा था ना, फेस वॉश करने में बहुत अच्छा लगा। देखिए सारी थकावट जो है फेस पे दिखाई दे रही है। और ये मंदिर का मुख्य यहाँ से रास्ता है, यहाँ से हम लोग सीधा निकलते हैं मंदिर की ओर। और खाली टाइम में कभी भी आओ ना तो दर्शन करने का मज़ा ही कुछ और आता है, क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ लगती है ना कि मतलब बोल सकते हो श्रद्धालु लोग काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं यहाँ पे। और भीड़ तो बहुत होती है क्योंकि नवरात्रि के टाइम में यहाँ पे ज्योति कलश भी स्थापित की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और लोग जो नारियल बांध के आप लोग देख सकते हैं अपना मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मैं भी आ गया हूँ यहाँ पे दर्शन करने। यहीं पे है माता विराजमान, और एक घंटी बजा लेते हैं। हाँ, माता मरी माई यहीं पे विराजमान है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये नवरात्रि के टाइम पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी दर्शन करने पड़ते थे। और ये खाली टाइम में आने के कारण देखिए मैं आराम से आपको दिखा सकता हूँ। ये है माता मरी माई, और यहीं पे इनकी मूर्ति स्थापित है। और मरी माता मंदिर जो है यही है, यहाँ नीम के पेड़ के नीचे मरी माता निवास करती हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं नारियल वगैरह इतने सारे मन्नत लोग दूर दूर से आके बांधते हैं यहाँ पे, MP, CG, महाराष्ट्र सभी जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नारियल बांध के चले जाते हैं। देखिए ये इतना विश्वास है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है और कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। ये है मरी माता का मंदिर, देखिए कितना फेमस है। और यह मंदिर जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रचलित होती है। और ये देखिए जो रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, यहाँ से आप स्टेशन की ओर जाते, नियरेस्ट स्टेशन है भनवार टंक, यहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप स्टेशन में उतर के यहाँ मंदिर का दर्शन करने आ सकते हैं।